अक्सर सड़क पर दौड़ती हुई एम्बुलेंस को देखकर हर कोई उसे रास्ता दे देता है, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि वक्त रहते ज़रूरत की जगह पे ये एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि किसी भी इंसान का ज़मीर गवारा नहीं करता कि वो एम्बुलेंस का रास्ता रोके या फिर एम्बुलेंस के रास्ते के बीच में आए। मगर ज़रा सोचिए कि एक एम्बुलेंस तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही है और अचानक वो दौड़ती हुई एम्बुलेंस दो बाइक सवार लोगों को टक्कर मार देती है। फिर उसके बाद कुछ लोग उस एम्बुलेंस का पीछा करते हैं, पीछा करने के बाद उस एम्बुलेंस को रोका जाता है, जो ड्राइवर होता है उससे बहस होती है, पुलिस आती है, और जब पुलिस आकर एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलती है तो उसके अंदर पेशेंट तो मौजूद नहीं हो, लेकिन घाघरा चोली पहनकर 10-15 लड़कियां मेकअप करके एम्बुलेंस के अंदर सवार हों। कुछ ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस में गरबा खेलने जा रही कुछ लड़कियां गरबा की ड्रेस पहनकर एम्बुलेंस में सवार थी, और जब एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला तो वो लड़कियाँ उस एम्बुलेंस में अपना मुँह छिपा रही थी। इस घटना का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे। बताया जा रहा है कि ये लड़कियाँ छत्रपति प्रमिला राज मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी महिला डॉक्टर हैं, जो गरबा खेलने जा रही थी। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या किया, दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। अब टक्कर लगी तो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने एम्बुलेंस का पीछा किया और उसके बाद बीच रास्ते में एम्बुलेंस को रोक लिया। ड्राइवर से बहस हुई, ड्राइवर से हाथापाई भी होने लगी, बात जो है मारपिटाई तक पहुंच ही रही थी कि किसी ने पुलिस को इस बारे की जानकारी दे दी। अब पुलिस को जैसे ही कॉल मिली कि एक एम्बुलेंस का रास्ता रोका गया है, एम्बुलेंस को रोक के बीच रास्ते में रोक कर ड्राइवर से बदतमीजी हो रही है, तो पुलिस फौरन हरकत में और मौके पर पहुंचती है। अब जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने पूरी बात जानी तो लोगों ने बताया कि ड्राइवर तेज़ रफ्तार से जा रहा था, दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। अब पुलिस से ड्राइवर बोलता है कि एम्बुलेंस में मरीज बैठा हुआ है। अब एक टाइम पे पुलिस भी थोड़ा सा हुई कि मरीज अंदर है और लोग इस तरीके से एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहे हैं तो गलत है। फिर भी सिर्फ चेक करने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला, और जब पुलिस एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोलती है तो वो क्या देखती है कि एम्बुलेंस के अंदर 10-15 लड़कियाँ फुल घाघरा चोली पहनकर मेकअप करके गरबा के ड्रेस में तैयार होकर हॉकी स्टेडियम जाने के लिए बैठी हुई थी, ताकि वो वहाँ जाकर गरबा खेल सकें। दरअसल पूछताछ में पता चला है कि सभी लड़कियां ट्रेनी महिला डॉक्टर हैं, जो हॉकी स्टेडियम गरबा खेलने जा रही थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, घायल बाइक सवारों का इलाज भी चल रहा है अस्पताल में। वहीं अस्पताल प्रशासन ने भी इस घटना के लिए कमेटी का गठन किया है, लेकिन इस घटना पर अस्पताल का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मतलब जो छत्रपति प्रमिला राज मेडिकल कॉलेज के जो अधिकारी हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं या सीनियर अधिकारी उस अस्पताल के, वो लोग कुछ भी इस मामले पर ऑन कैमरा कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने के लिए एक टीम का गठन कर दिया है। हालांकि देश भर में नवरात्रि की धूम है और आम और ख़ास लोग माता दुर्गा की उपासना के में लीन हैं। नवरात्रि का त्यौहार 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चल रहेगा, यानी कि पूरे 9 दिन तक नवरात्रि के त्यौहार को लेकर गरबा स्थल पर काफ़ी अच्छी खासी लोग भीड़ रहेगी। मगर ज़रा सोचिए, जिस एम्बुलेंस को लोग सिर्फ ये सोचकर जगह दे देते हैं कि इसमें एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, शायद उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और एम्बुलेंस उसे लेकर अस्पताल जा रही है, या फिर एक ज़रूरतमंद के पास ये एम्बुलेंस पहुंचने की वक्त पर कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में लोग एक एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं ताकि सही टाइम पे, सही वक्त पे, वक्त रहते एक ज़रूरतमंद के पास ये एम्बुलेंस पहुँच जाए। लेकिन उसी एम्बुलेंस का ट्रेनी डॉक्टर महिलाएं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, एक एम्बुलेंस को कैब बना लेती हैं, ऑटो बना लेती हैं, अपना प्राइवेट व्हीकल बना लेती हैं और मज़े से, आराम से, सुकून से बैठकर गरबा खेलने के लिए मैडम पहुंचती हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये जो कांड किया है, ये जो काम किया है, किसी ऐसे इंसान ने किया है जिसे इस पेशे की या इस एम्बुलेंस की गंभीरता का ख्याल ना हो। ये वही लोगों ने इस चीज़ को अंजाम दिया है जो इस पेशे की, इस एम्बुलेंस की और उस एम्बुलेंस की ज़रूरत की और उसकी सर्विस की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। क्योंकि हमारे देश में आज भी अक्सर ऐसी खबरें आती हैं, अक्सर ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं, अक्सर ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आती हैं जहां पे लोग एम्बुलेंस ना होने की वजह से अपने परिजनों को या तो हाथों में उठा के लेके जाते हैं, चारपाई पे बिठा के लेके जाते हैं, कुछ कंधे पे डाल के लेके जाते हैं। यहाँ तक कि खबर तो ऐसी भी आई थी कि एक शख्स अपनी माँ की लाश को ठेले पर लेके गया था।
ऐसे देश में जब जहाँ पे एम्बुलेंस की इतनी कमी है ज़रूरतमंदों तक पहुँचने के लिए, ऐसी सिचुएशन में ऐसी जगह पर लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं, वो भी वो लोग जिनको जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है लोगों की जान बचाने, जिनको कसम दिलाई जाती है कि वो लोगों की मदद करेंगे। ऐसे लोग खुद इस पेशे का मजाक बनाते हुए अपने फ़ायदे के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम का।